हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग रिएक्शन इन कॉलम वन विद द करेक्ट नेम सेल इन कॉलम टू। तो कॉलम वन में बेटा कुछ रिएक्शंस लिखी है, कॉलम टू में उन रिएक्शन के नाम लिखे हैं। तो हमें मैच करनी है कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा क्या नाम आएगा, हमें नेम रिएक्शन को पहचानना है। बेसिकली बात ये है ना, जैसे पार्ट वन कहता है कि रिएक्शन ऑफ डाई एजोनियम क्लोराइड विद क्यूपरस सॉल्ट जोड इन हेलोजन एसिड। तो पूछ रहा है कौन सा एसिड है। तो देखिए पार्ट ए की बात करें, ठीक है, हमें क्या करना है, रिएक्शन करवानी है किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्यूपरस सॉल्ट की। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, ये बनता कैसे, एनिलिन से बनता है जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। और ये काफी कंपाउंड नॉन एमिसिस करने में हेल्प करता है बेटा, कैसे, जब इसकी आप रिएक्शन कराओ के साथ करवानी है हमें, क्यूपरस क्लोराइड के साथ ना, CO2Cl2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड मतलब HX। तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा हमें, यहाँ हमें इस तरीके से, अगर मान ये हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे क्लोरिन होता है तो क्लोरो बेंजीन का, ठीक है, साथ में N2 गैस रिलीज होगी, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। तो ए का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ए का वन यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन और थर्ड हो गया आउट। सेकंड कहता है कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड विद हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवानी सेम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई हेलोजन एसिड HCl ले लेते हैं या फिर HX ले लो जाए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर मतलब कॉपर ब्रांच में। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये गैटरमैन रिएक्शन होती है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी बेटा, जैसे क्रॉपर लिया तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में N2 गैस रिलीज होगी, है ना, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, गैटरमैन रिएक्शन है। तो बी का क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा, बी का टू आ जाएगा। तो ए का वन और बी का टू, यहाँ भी यहाँ ए का वन, यहाँ बी का टू, यहाँ बी ए का वन, बी का टू, मतलब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। फिर कहता है कि रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद क्लोरोफॉर्म। तो जब अमाइन की रिएक्शन करवाएं क्लोरोफॉर्म के साथ, स्पेसिफिकली 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH, है ना, एल्कोहलिक QH ले लेते हैं हम यहाँ पर। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बल अमाइन रिएक्शन होती है और 1 डिग्री अमाइन के लिए होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, KCl वगैरह बन रहा होगा, मेन प्रोडक्ट है बेटा मेरा आइसोसाइनाइड है, दैट इज RNC। तो रिएक्शन ऑफ अमाइन विद क्लोरोफॉर्म में क्या होता है बेटा, कार्बल अमाइन रिएक्शन है, तो सी का क्या आएगा, फोर आएगा, सी का फोर आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ दे रखा है, सेकंड ऑप्शन भी आउट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा करेक्ट होने वाला है। डी पार्ट की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब आप अमाइन की रिएक्शन कराओगे विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, है ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ये SO2Cl, इसमें क्या होता है बेटा, ये हिंजबर्ग रिएक्शन होती है, ये हिंजबर्ग रिएजेंट है, इसमें क्या करते हैं हम, डिस्टेंस करने में हेल्प करती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के साथ वो आपस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा, फाइनली क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा SO2NH4। ठीक है, आगे फर्दर हम जैसे 1 डिग्री अमाइन लिया है तो NOH रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, बाद में एल्कली में डिजोल्व होगा नहीं होगा, कई काफी केस होते हैं बेटा, फिर उसे पता कर रहे होते हैं। जो 3 डिग्री होगा वो तो इसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री से रिएक्ट करते हैं, और जो 1 डिग्री का इसका प्रोडक्ट बना है वो फर्दर NOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, पर 2 डिग्री वाला हमारा NOH रिएक्ट नहीं करता, तो इस तरीके से हम डिस्मिस करते हैं। तो हिंजबर्ग रिएजेंट है और इसको रिएक्शन को बोलते हैं हिंजबर्ग रिएक्शन। तो डी का थर्ड आ जाएगा, तो डी का थर्ड दे रखा ऑप्शन नंबर फोर्थ में, हेंस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।